बिहार सरकार ने पान मसाला, पान पराग, गुटखा और रजनीगंधा जैसी चीज़ों पर बैन कर दिया है। फिलहाल यह बैन 12 महीनों के लिए लगाया गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि बिहार सरकार का यह जो फैसला है वह कितना सही और कितना गलत है। क्या लगता है कि जो बैन लगाया है बिहार सरकार ने वह कितना सही और कितना गलत? नहीं, ये तो बहुत अच्छा निर्णय है बिहार सरकार का, क्योंकि बिहार में आप देखिए तो हर जगह तंबाकू का बहुत हर परिवार में मतलब कि उपयोग होता है। और इसके कारण जैसा कि हम लोग दंत चिकित्सक हैं तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से ये लोगों के मतलब डेली लाइफ को किस तरह से बर्बाद करता है। कैंसर एक बड़ी वजह है। बिल्कुल, कैंसर एक बड़ी वजह है, उसके साथ साथ उनकी आर्थिक क्षति, उनकी कम आय वाले लोगों के लिए तो ये एक समझिए अभिशाप है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले बिहार सरकार ने शराब को भी बैन किया था, लेकिन आज सच्चाई क्या है? सच्चाई तो वो तो हम तो देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लोग आज भी रोड पे किस तरह चलते हैं। कहीं ना कहीं इसमें सरकार अपने हिसाब से बंद की है वो चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक भी फॉल्ट है कि इतना कुछ बैन होने के बावजूद भी वो बैन क्यों हुई इसके बारे में क्यों नहीं पब्लिक सोच रही है। कहीं ना कहीं कुछ गलत है, इसके बावजूद भी इस गलत चीज़ को लोग अपना रहे हैं, वो गलत हो रहा है। अभी भी वो पूरी तरह से बैन हुई नहीं है, सरकार को इसके प्रति और पब्लिक को खासकर इसके प्रति ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। आप लोग खुद डॉक्टर हैं, ये बताइए कि जो पान पराग है, पान मसाला है या फिर गुटखा है, ये शरीर के लिए कितना नुकसानदेह? देखिए, हम लोग का जो भी ओरल हाइजीन है, कोई भी चीज़ का शुरुआत यहाँ हमारे मुँह से ही होता है। तो जो खाने वाले लोग हैं वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका बाद में जा करके भविष्य में क्या दिक्कत होगी। अगर ओरल कैंसर हो जाता है तो वो ओरल कैंसर जानलेवा भी हो जाता है। इस वजह से गुटखा पे तो बैन पूरी तरीके से लगना ही चाहिए, ताकि जो खाने वाले हैं उन लोग को भी समझ में आए और उन लोग भी इस चीज़ से थोड़ा दूर हो जाए। तो बिहार सरकार का यह जो फैसला है बैन करने का, यह बिल्कुल सही है? जी, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि पान गुटखा से कैंसर का बीमारी होता है, जिससे उस आदमी का जिसका कैंसर होता है उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, साथ साथ उससे जो उसके फैमिली के लोग होते हैं उनकी भी ज़िंदगी पे काफ़ी असर पड़ता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो स्थिति शराब की हो रही है वो कम से कम गुटखा का ना हो? जिस तरीके से शराब की तस्करी हो रही है, कम से कम उस मामले में गुटखा का जो बैन लगाया गया है तो कम से कम उसकी तस्करी ना हो? नहीं होना चाहिए बैन। सरकार का निर्णय तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है इकोनॉमिकली जो वीक है वही ये सब करता है, तो सरकार का निर्णय बहुत अच्छा है। तो सरकार का जो निर्णय है, जो उसने बैन किया है, पान पराग हो, पान मसाला हो या फिर गुटखा, कितना सही है? बहुत ही ज़्यादा सही है। इससे जो गरीब जो लोग हैं उनको काफ़ी हद तक सहूलियत मिलेगी, उनके घर में आर्थिक और मानसिक दोनों से छुटकारा मिलेगा। बहुत घर में ऐसा भी होता है कि जो लोग खा रहे हैं वो उसमें उनको तलब हो जाती है एक चीज़ की, वो खाते जाते हैं उनको नहीं देखते हैं कि मेरा कितना फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। अगर वो चीज़ से वो ज़्यादा अपना कुछ अच्छा चीज़ जूस वगैरह लेंगे तो उनको ज़्यादा सेहत का फ़ायदा होगा, अगर वो नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे तो उनको बीमारी तो होते रहेगा, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो शुरुआत मुँह से ही होता है, मुँह से ही पचना शुरू होता है। जब मुँह ही खराब रहेगा, मुँह ही गंदा रहेगा तो पूरा शरीर खराब रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एडिक्ट हो गए हैं उनका फिर क्या होगा? नहीं, उनके लिए तो मुझे लगता है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर भी सरकार को साथ साथ में खोलना चाहिए हर जगह, मतलब जैसे शराब का उन्होंने किया, सरकार ने किया। बिल्कुल, वो प्रयास होनी चाहिए। और मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में जाके सरकार को बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी कि जहाँ पे जैसे तंबाकू की फसलें उगाई जाती हैं वो सब चीज़ों को बढ़ावा ना दिया जाए, उसके बदले उन कृषि जो फार्मर्स हैं उनको पैसे देकर कुछ और चीज़ें उपजाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन अचानक बंद करना, ये आपको लगता है कि सही है? अचानक होना वो सही है, पूछिए क्यों कि आज के दौर में अगर पब्लिक को किस मेंटलिटी जिस तरह का है कि सपोज मान लें कि हम घोषणा करेंगे 10 दिन बाद कुछ ऐसा करने वाले हैं, तो पब्लिक के पता नहीं क्या सोच है कि वो कुछ अपना स्टॉक खुद करना रखना चालू कर देते हैं, जिसकी वो कालाबाजारी होना चालू हो जाता है। और अचानक बंद होना बहुत ही ज़रूरी अच्छा हुआ है, इसलिए कि इसे लोग में सडन इस चीज़ को समझ में आएगा कि भाई क्या हम अपने आप को किस क्षेत्र में ढकल लेते हैं। ओरल हाइजीन सबसे बड़ा चीज़ ये है कि अगर आप तंबाकू, गुटखा, पान, इकोनॉमिक तो प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन सबसे अपने शरीर को नुकसान कर रहे हैं, सब दूसरे सामने किसी के सामने बात कर रहे हैं, कितना गंदा लगता है कि गंदा गंदा दांत हो। सरकारी जो दफ्तर है वहाँ भी तो पान दान सब जहाँ तहाँ देखिए
कोई खा रहा है फ्राइडी फेंक दे रहा है। एक तो सोसाइटी में जिस तरह का ये मेंटलिटी है वो कमेगा, हर हाल में कमेगा, और लोगों को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमें इस चीज़ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कभी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ना सोसाइटी के लिए अच्छा है, ना ही ये किसी क्या कहते हैं एक पढ़े लिखे वर्ग के लिए अच्छा है ये चीज़। यानी कि जो बैन किया गया है यह बिहार के युवाओं के लिए काफ़ी अच्छी खबर है? कुछ नहीं है, सीधे सीधे सरकार का आई वॉश करने का एक तरीका है, मुद्दों से भटकाने की राजनीति है। इसे आप राजनीतिक माहौल में ही देखें, पान गुटखा मसाला, जो गुटखा मसाला पर इन्होंने प्रतिबंध कर दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार इज ए बायर स्टेट, नॉट अ सप्लायर स्टेट। यहाँ सप्लाई होता है, यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है। तो राज्य सरकार जब एक देश एक संविधान एक विधान एक निशान की बात करती है, तो राज्य सरकार अपने स्तर पर, और वो राज्य सरकार जो कि सप्लाई नहीं करती है, जो कि मैनुफैक्चरिंग यूनिट यहाँ नहीं है, तो यहाँ दूसरे स्टेट से यहाँ सप्लाई होगा, यहाँ पब्लिक खाएगी ही। आप गुटखे पे प्रतिबंध कर रहे हो लेकिन पान के साथ जर्दा मिलता है। आपने गुटखा के पहले बिहार में शराब पर भी तो बैन किया गया, बैन किया गया, उससे क्या हुआ? जो वहाँ भी मास्टर यही था, बिहार में आज क्या घर घर शराब नहीं मिल रहा है? सरकार क्या इस बात से अनजान है, क्या प्रशासन अनजान है? हर दिन छापेमारी होती है, दो चार लोग पकड़े जाते हैं, फिर बेल होता है, कोर्ट बेल जेल यही चक्कर चलता रहता है। गुटके के साथ भी यही होगा, दूसरे स्टेट से ट्रेन के माध्यम से और भी दूसरे माध्यमों से, बगल में आपका नेपाल पड़ता है वहाँ से आएगा सप्लाई चेन, आपका कानपुर है सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ से आएगा। मतलब आपका कहना है कि तस्करी फिर बढ़ जाएगी? एकदम एकदम, आपको अगर इसको रोकना है, आप में जज्बा है रोकने का, तो इसके प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर आप केंद्र सरकार को लिखिए कि भाई हमारे यहाँ इस चीज़ से प्रतिबंध है, हम अपने सरकार हम अपने राज्य की जनता की भलाई के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आप वो तो कर नहीं रहे हैं। आप वो तो कर नहीं रहे, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ना बंद कराओ। आप जिस स्टेट में रह रहे हैं ये बायर स्टेट है, ये खरीदता है, ये सप्लायर स्टेट नहीं है, तो सप्लाई चेन को तो आप बंद कर नहीं रहे हो, केंद्र को तो आप लिख नहीं रहे हो, तो एक देश एक निशान एक विधान कहाँ चला गया? मतलब आपको भी लगता है कि अगर बंद करना है तो पूरे देश में एक साथ बंद करना चाहिए? ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रोडक्शन बंद करना है, नहीं तो ऐसे तो कालाबाजारी बढ़ेगी, एक जगह बंद है दूसरी जगह से ज़्यादा रेट पे, वो लोग उन लोगों का तो मार्केटिंग का तरीका हो जाएगा। ये करना ही है तो प्रोडक्शन बंद करें, प्रोडक्शन सबसे अच्छा है। कहीं भी जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर कंज्यूम कहाँ से करेंगे, कंज्यूमर ही नहीं होगा, वो कुछ दिन के बाद खुद ब खुद वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, खुद ब खुद वो आदत छूट जाएगा उनका। आपको भी नहीं लगता कि अगर शराब के मामले में भी इसी तरीके का हो, पूरे देश में एक साथ बंद किया जाए, तभी इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। एट फर्स्ट जो प्रीवेलेंस रेट है सर बिहार का वो ज़्यादा है सर, जैसे वाइन को बंद किया गया उसके बाद भी इसका ब्लैक मार्केटिंग रुका नहीं सर, घर घर वो इसका होम डिलीवरी हो रहा है, और इसको भी अचानक से बंद किया गया है, इसका भी वही हर्ष होगा जो आपका वाइन का हुआ था। इसलिए जो प्रोडक्शन जो है उसको वहाँ से अगर सर को स्टॉप किया जाए तो फिर इस पर कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि चाहे पान मसाला हो, गुटखा हो या फिर रजनीगंधा हो, ये शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है। यस सर, हाँ वो तो हानिकारक है ये, क्योंकि ये सब टोबैको च्युइंग है सर, ये सब लिंगुअल लोग रखते हैं चाहे जो भी रखते हैं सर, जिसके कारण सर बहुत सारा प्रॉब्लम इससे हो सकता है, मौत का प्रॉब्लम हो ही सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें आदमी की जान भी जा सकती है सर, तो इस चीज़ को सर तो रोकना ही चाहिए सर। तो ये भी सही है ना कि अगर सरकार बैन कर रही है इसके पीछे उसकी मंशा सही है? मंशा तो सही है, लेकिन मंशा को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंशा बना दिए न्यूज में रहने के लिए कि हम अच्छा काम किए और उसको इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं रहा। जैसे शराब का आप देख ही रहे हैं, अरे आप दूसरे स्टेट से आ जा रहा है, कैसे आ रहा है? कुछ ना कुछ तो पुलिस हर जगह है वहाँ बॉर्डर पर, फिर कैसे आ जा रहा है? तो अगर सही से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाए तो फ़ायदा क्या है नया कानून बनाने का? इससे अच्छा नहीं बनाइए। अगर बनाना है तो ऑल ओवर इंडिया इस तरह का एक कानून बनाया जाए केंद्र सरकार के सहमति से, ताकि प्रोडक्शन ही बंद हो जाए, फिर तो कोई मसला ही नहीं रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो युवक इसके आदि हो चुके हैं उनके पास क्या विकल्प रह जाएगा, क्या उपाय रह जाएगा? नहीं, इसके विकल्प बहुत सारा है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है। दूसरी बात कि सपोज कि मान लीजिए जिसकी किसी सप्लीमेंट भी आ रहा है, टोबैको का निकोप्लेक्स आता है, इस सब का जो आते हैं कुछ च्यूइंग टैबलेट आता है, उस सब इस्तेमाल करके धीरे धीरे सबसे दूर किया जाता है जी। तो आपको लगता है कि जो सरकार ने कदम उठाया है ये कितना सही है? कदम जो उठाए हैं, कदम उठाने का तरीका इनका गलत है। आप गुटके पे प्रतिबंध लगा रहे हैं क्या सोचकर, उसमें जो अभी जांच में जो कौन सल्फेट या मैग्नेट जो पाया गया जो शरीर के लिए हानिकारक है तो वही चीज़ तुलसी मिलता है रजनीगंधा के साथ, तो तुलसी तो आप
बैंड कर नहीं रहे हो, आप गुटखा बंद कर रहे हैं, आप इस बात को टेक्निकल पक्ष को देखिए, आप पान के आपको लगता है कि पान भी बंद कर देना चाहिए? हाँ, अगर बंद करना है तो पूरे ऑल ओवर पे बंद करो। आप गुटखा को बंद कर रहे हैं, लेकिन वो जो वो केमिकल पाया गया है वो गुटके में नहीं पाया गया है, पूरे उसके स्ट्रक्चर में पाया गया है, मटेरियल में पाया गया है। तो तुलसी तो ऑलरेडी पान में मिलेगा, लोग गुटका छोड़ के पान खाएगा, उसमें भी सुपारी उसको मिलेगा, तो फिर आपका बैन करने का कोई मकसद नहीं होता है। मतलब आपको भी लगता है कि जिस तरीके से शराब की तस्करी बढ़ गई बैन करने के बाद, उसी तरीके से गुटका का भी तस्करी बढ़ जाएगा? जी डेफिनेटली, अगर इम्प्लीमेंटेशन आप किसी भी लॉ का सही ढंग से नहीं करेंगे तो वो एक कालाबाजारी का रूप लेकर सामने आएगी सर समाज के आगे। तो आपने देखा हमारे साथ पटना के कुछ युवक मौजूद थे, हालांकि इनका कहना है कि यह स्वागत कर रहे हैं कि सरकार ने जिस तरीके से पान मसाला हो, पान पराग हो, या जिस तरीके से गुटखा पर बैन किया है। साथ ही इनका यह भी कहना है कि केवल बिहार में बैन करने से काम नहीं चलेगा, पूरे देश में एक साथ बैन करना चाहिए, नहीं तो जिस तरीके से बिहार में शराब की कालाबाजारी बढ़ गई है उसी तरीके से गुटखे की भी कालाबाजारी बढ़ जाएगी। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।